हमारे साथ लाला रॉबर्ट मौजूद हैं जो हमारी मसीही बच्चियों को जबरी अगवा और जबरी मजहब तब्दील के लिए उनको मजबूर किया जाता है। लाला जी, एक कौम आपसे सवाल करना चाहती है, इनका रोकथाम कैसे होगा? अभी मैं दो बच्चियों का जिक्र करूंगा। एक बच्चा जो है वो मदीना टॉप थाने की उम्र 12.5 साल है और पीर माल से गीता नाम की बच्ची है, उसकी भी उम्र तकरीबन 12.5 साल है। और हम कानून जो है वो कमसर बच्चियों से शादी और उनके साथ किसी तलब रखने के हवाले से इंतहाई सख्त है, लेकिन उनका इस्तेमाल कब होगा इसका पता नहीं है। जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फैजी साहब आए हैं, हम काफी हद तक मुतमिन है कि शायद वो एक ऐसी मिसाल पैदा करने पर कमसर बच्चियों से शादी और किसी तलब के हवाले से, लेकिन अभी तक शायद उनके पास गाइड नहीं है। और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि जब तक लोअर कोर्ट में जो अपना अदालतें हैं, ट्रायल कोर्ट जिनको कहा जाता है, जब तक वहां पे आम लोगों को इंसाफ मुहैया नहीं होगा, तब तक आपके चीफ जस्टिस होने का या सुप्रीम कोर्ट में आपके जो अहकाम हैं उनका फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा। कंसर्न बच्चियों के हवाले से ये है कि कानून काफी सख्त है लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे 361 है, कंसर्न बच्चियों के हवाले से ये है कि उसको वालद के पास से ले जाना भी जो है वो रेप है, और इसमें 365 लगा देते हैं और कहते हैं कि ये हुआ हो गया। इसमें चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट की दफात को एंटर नहीं किया जाता, इसमें रेप की दफात को एंटर नहीं किया जाता। और मेरी चीफ जस्टिस का पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि हमारे इस जो मिनोरिटी का ये तरीना मसला है और ये हमारे जो है इसके नफ्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर तवज्जो दें। और ये दो कमसन बच्चियां जो है एक फैसलाबाद से और एक पीर महल से, इनको बाजियाब करवाया जाए। और ये ना किया जाए कि बच्चियों को बाजियाब करवा के दारुलमान में भेजा जाए, बच्चियों को बाजियाब करवा के उनके वालदैन के हवाले किया जाए, कानून का फिर फायदा होगा। और मैं पंजाब हुकूमत से, जो अभी तो निगरान हुकूमत है, मैं पंजाब हुकूमत से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके माइनॉरिटीज को ऐसा ना समझा जाए कि माइनॉरिटी शायद यहाँ पे कोई आसमान से गिरी है यहाँ पे उगी है। हमारी ये हमारा देश है, हमारा पाकिस्तान है, हम इसके पासी हैं, हमने इसको बनाया है, हम इसको संवारते हैं। और जब भी हम कभी बात करते हैं अपने इश्यूज के हवाले से, समझा ये जाता है कि ये मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। तो मेहरबानी करके अब जस्टिस फैजी साहब आ गए हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दुनिया में जो हमारा अदालती निजाम जो है 120वें नंबर पे है, उस वो भी को शायद तो पहले 15-20 नंबरों में भी आ गया, तो हम समझे कि ये जस्टिस फैजी साहब की जीत है। तो हमारे ये कमसन बच्चियों के जो मामला हैं इनको कानून के वाले तरह एक पुलिस जो है उसका इसमें बड़ा गंदा रोल है, वो बायस्ड रोल है। वो ये समझते हैं कि जो बच्ची इस्लाम, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, बस ठीक है, हमें उसकी मदद करनी है। लेकिन ये जो शादियां हैं, 99.9% जो है ये फेलियर है इनका। और जब ये फेल हो जाती हैं और बच्चियां जब दोबारा माँ बाप के पास आती है, तब ना ही वहां पे कोई मौलवी नजर आता है जो तब्दीली में मदद करवाता है, ना ही वो मौलवी नजर आता है जो निकाह करवाता है, ना ही पुलिस नजर आती है। ये सारे मामला जो बाद में दुख तकलीफ या बच्चियों के वो माँ बाप को झेलने पड़ते हैं, तो मेहरबानी करें हम पे रहते हैं।